सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज हमारा जो भाई सुशील काजल गांव रायपुर जटान जिला करनाल से 28 अगस्त के लाठीचार्ज के दौरान शहीद हुआ था, उसको लेकर जो आप सभी ने आंदोलन लड़ा और भाई के वो मान सम्मान दिलवाने की लड़ाई लड़ी, अब हम उसमें सफल हुए हैं। आज उनके दोनों बच्चों, उनका पुत्र साहिल काजल और उनकी पुत्र वधु को करनाल शुगर मिल में आज उनकी नौकरी की ज्वाइनिंग हो गई है। उसके लिए आप सभी साथियों का पूरे हरियाणा के और साथ लगते जो इतने राज्य से लोग उस संघर्ष में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये लड़ाई आप सभी साथियों ने, आपकी एकता की वजह से हम जीत पाए। आपने अपने शहीद भाई को मान सम्मान दिलवाया, जिसको हरियाणा की सरकार शहीद मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। और उनको ये कहा जाता था, वो तो उस समय जीटी रोड रोक रहा था, उस पे तो FIR दर्ज थी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, ये जो हमने लड़ाई लड़ी भाई को मान सम्मान दिलवाने की, उसमें हम सफल हुए हैं। 25 लाख रुपए मुआवजा और आज दोनों सरकारी नौकरियां पर दोनों बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे के लिए भी यदि कभी भी हमारे किसी साथी के साथ सरकार अत्याचार करेगी या कुछ भी करेगी, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और अपने किसी भी भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके परिवार का भी सहारा बनेंगे। जो ये आपने इतने अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी और इस परिवार को न्याय दिलवाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद है, सभी को सैल्यूट है। तो आज उन दोनों बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है। आप सभी का, पूरे हरियाणा के वासियों का, पंजाब उत्तर प्रदेश से जो जो साथी उस महान लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए, सभी का करनाल जिले की यूनियन की टीम की ओर से, पूरे करनाल जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।